हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कार्ल मार्क्स का इंफ्रास्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर। सबसे पहले ये बात समझ लीजिए कि कार्ल मार्क्स कहते हैं कि हमारे सुपर स्ट्रक्चर्स को कौन कंट्रोल करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रोल करता है। उनका एक बहुत पॉपुलर स्टेटमेंट है, वो समझ लीजिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर डिटरमाइंस सुपर स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रोल्स द सुपर स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, ये सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है, यही मैं आप लोगों को आज यहाँ पर समझाने वाला हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग, कार्ल मार्क्स के हिसाब से इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो होता है वही इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, यानी जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है वो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। और ये कहते हैं ये लोग कौन होते हैं, ये हैव्स होते हैं, ये बुर्जुआ सोसाइटी होते हैं। तो ये बताते हैं कि जो लोग इन इकोनॉमी पे, इन इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे कंट्रोल बना लेते हैं, वो सोसाइटी के सुपर स्ट्रक्चर पर भी कंट्रोल करते हैं। जैसे कि सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है, सुपर स्ट्रक्चर होता है पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज। ठीक है, सोसाइटी के कस्टम्स, सोसाइटी के ट्रेडिशंस, फैमिलीज की आइडियोलॉजी, फैमिलीज के रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये कहते हैं ये सारी चीज़ें कंट्रोल की जाती हैं इकोनॉमी के द्वारा। समझ गए, आ गया समझ में अच्छी तरह से कि क्या होता है इंफ्रास्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर कार्ल मार्क्स का।